हैदराबाद से, जहां पुलिस का पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 पतंग फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, सैकड़ों पतंगे और डोर की चिट्ठियां बरामद कर ली गयी। सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 10 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से सैकड़ों पतंगे और डोर की चिट्ठियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ औरंगाबाद डॉक्टर रिजवान का कहना है कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाईओं का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डीपीओ औरंगाबाद की हदायत पर पुलिस अफसरान की जिला भर की मुख्तलिफ मसाजिद में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के मुनासिब इकदाम किए। अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए एसडीपीओज और एसएचओज ने जिला भर में मुख्तलिफ जामे मसाजिद में नमाज जुमा के बाद खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में शुरका की तरफ से सामने आने वाले मसाइल को हल करने के लिए कानून और मेरिट के बुनियाद पर मुनासिब इकदाम किए गए। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान का कहना है कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम के मसाइल को सुनना और उनकी दहलीज पर इन्हें फौरी इंसाफ फराहम करना है। अबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां कोर्ट लद्देवाला में वाशु की 8वीं जमात के तालिब इलम से बदफेली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान फाकर और अली ने कोर्ट लद्देवाला में 8वीं जमात के तालिब इलम को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सीपीओ सरफराज कुलकी का कहना है कि माशरे में बिगाड़ पैदा करने वालों को सख्त सजा दिलवाएंगे। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के जरिए तमाम शुगर कंट्रोल के जदीद तरीका इलाज के मौजू पर जिम खाना माती में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मरूफ मौलिज ने शिरकत की और शुगर कंट्रोल बारे में तिब्बी मशवरे भी दिए। कंट्रोल सेमिनार में पैनल एक्सपर्ट के तौर पर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर माजिद डॉक्टर, डॉक्टर माजिद डॉक्टर शफकत जाफरी और डॉक्टर लुत्फ अली तालपुर, डॉक्टर अली असगर ने खुशी शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल मालिक शेख ने इस बात का इजहार किया कि पैमा के जरिए तमाम 2 साल कन्वेंशन हाला में मुनक्द होगा, जबकि इससे कबल सिंध के 18 शहरों में मिनी कन्वेंशन मुनक्द करवाए जाएंगे। बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं, जहां कोर्ट रद्दू में आरएनए न्यूज की खबर पर नोटिस लेते हुए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने एलपी प्वाइंट खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीपी लिंक के नाल और तोनसा बैराज पर तरीन ट्रैफिक जाम रहने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसकी खबर आरएनए न्यूज ने सबसे पहले नशर की थी, जिस पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने नोटिस लेते हुए तोनसा बैराज रोड, दायरा दीन पनार रोड, मीरपुर बागर रोड, एहसानपुर लैया रोड पर गन्ने के एलपी प्वाइंट खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जबकि तोनसा बैराज रोड, टीपी लिंक कैनाल पर ट्रैफिक कंट्रोल स्पेशल ड्यूटी लगा दी। थानों के अफसरान और एहलकार ट्रैफिक को बहाल रखने के लिए शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मौसम बहार की आमद के साथ ही हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिलकश नजारा पेश करते हैं। इन रंग बिरंगे फूलों में फूलों का बादशाह गुलाब उसमें मुनफरिद नजर आता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद खान कुलाची की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मौसम बहार की आमद के साथ साथ जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारा पेश करते हैं, वहीं पर इन रंग बिरंगे फूलों में फूलों का बादशाह गुलाब इन सब में मुनफरिद नजर आता है। गुलाब का फूल देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर ये फूल अपनी खुश शक्ल के साथ साथ मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह भी कहलाता है। गुलाब का फूल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसके शोख रंग जज्बात के इजहार का मुअस्सर जरिया है। जब गुलाब का फूल शायर की शायरी में आता है तो शोरा की इसे मोहब्बत की डोरी में पिरो के अपनी उल्फत का इजहार करते हैं। जब तबीब के हाथ लगता है तो तबीब उसे कशीद करके इंसान के फायदे के लिए अद्वियात तैयार करता है। गुलाब अपनी खुश शक्ल और मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह भी कहलवाता है। इसकी काश्तकारी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से की जाती है। गुलाब की 100 से ज़ायद इकसाम के होते हैं। गुलाब का तसव्वुर जहन में आते ही एक मशहूर किन एहसास जहन में सुरायत करने लगता है। गुलाब का फूल कभी किसी के गले का हार बनते हैं, तो कभी किसी कलाई का कंगन, कभी किसी बालों का जोड़ा, कभी गुलाब का फूल को पत्तियों की शक्ल इख्तियार करना पड़ती है, जबकि बाज लोग तो इसे मैयत पर भी डालते हैं। कैमरा टीम कैमरा जुनेद खान कुलाची, रागस न्यूज, अलीपुर। छहरी मीरवा में अंजुमन पीर दारन शाह बुखारी के जरिए तमाम मौला अली की यौम विलादत के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गांव हाजी मोहम्मद इस्माइल लगारे हसीन इमाम बारगाह में मुनक्किद तकरीब में आशकाने मौला अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मौलाना जफर अली यज़दी ने खिताब करके शान अली बयान की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क मिलत की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और यर्ड स्कूलिंग सिस्टम के जरिए तमाम आलूदगी के खात्मे के लिए सिंध भर में शजर कैरी मुहिम का आगाज कर दिया गया। तुलबा और उस्ताजा ने 250 पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया।
सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदारान का कहना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WWF और IBS अखिल के तावन से सिंध भर में 5 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। शजर कार्यक्रम के तहत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए तमाम चलने वाले स्कूलों को पैगाम दिया गया कि वो अपने अपने स्कूलों में शजरकारी मुहिम भी चलाएं। चनियोट में पंजाब पुलिस SPO और पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी। DIG फरहान बेग, DPO बिलाल जफर शेख और SP हसन जावेद टेस्ट अमल की निगरानी कर रहे हैं। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल रमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से। चनियोट मेयरमेंट में कामयाब उम्मीदवारों से 1 मील की दौड़ करवाई गई। दौड़ के मरहल्ले में उम्मीदवारों को 1 मील का सफर तय करने के लिए 7 मिनट का टाइम दिया गया। दौड़ के मरहल्ले में 174 लेडी उम्मीदवारान की भी शिरकत। दौड़ के पहले रोज 1500 से ज्यादा उम्मीदवारान दौड़ को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। दौड़ के मरहल्ले को शफाफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक चेकिंग और ड्रोन कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। DPO चनियोट बिलाल जफर शेख का कहना है कि मेरिट की बुनियाद पर भर्ती के अमल को यकीनी बनाएंगे। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डिक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज चनियोट। बहुत शुक्रिया। जबकाबाद में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। सदर पुलिस ने एम्बुलेंस की खुफिया टैंकियों से स्मगल शुदा 200 लीटर ईरानी डीजल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस ने शंबेशा लिंक रोड पर कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस की खुफिया टैंकियों से 200 लीटर स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद करके मुलजिम दाऊद खान को गिरफ्तार कर लिया। SSP मोहम्मद तारिक नवाज का कहना है कि गैर कानूनी काम करने वालों के साथ आमनी हाथों से निपटा जाएगा। RNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.st.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।